मसीह की सॉरी कि अब सबको म्यूट कर दिया गया क्योंकि टाइम हो रहा है। देर इज टाइम फॉर प्री वर्शिप एंड वर्शिप सबका। मैं आज इस जूम वर्चुअल अमृतसर डाइसियन फैमिली वर्शिप में स्वागत करता हूँ। हमारे बुजुर्ग, हमारे महिलाएं, हमारे नौजवान और हमारे बच्चे, ये बहुत खुशी होती है कि चाहे आप में से कुछ फिजिकली चर्च में जाते हैं और उपासना करते हैं, फिर भी जब हम जूम में आते हैं, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल हो पाता है कि हम सिर्फ डायसिस के कोने कोने से नहीं कनेक्ट होते हैं, पर इवन बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डायसिस, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, कि हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं। सो दिस इज अ वेरी एडिफाइंग एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर मंथ्स एंड यू आर कनेक्टेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। दो बातें, एक तो है कि आज ये क्लेर्जी संडे है, उसका मतलब है कि आज जो सर्विस है उसको हमारे क्लेर्जी कम्युनिटी कंडक्ट कर रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू सी ऑल द क्लेर्जी हमारे डायसिस में, अमृतसर डायसिस में जितने भी प्रेसबिटर्स, एवेंजेलिस्ट, डीकन्स काम कर रहे हैं, आज आप सबको जूम में देख पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल संडे। एंड नंबर टू इज दैट इट्स अ डे ऑफ रिजॉइसिंग इन द मिरेकल्स ऑफ गॉड, कि खुदा जो चमत्कार करता है उन चमत्कारों को रिकॉग्नाइज करते हुए हम धन्यवादी हृदय में प्रभु के पास आए हैं। रेवरेंड अजय कुमार, अजय सिंह, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी सीमा और बच्चे पॉजिटिव हैं, पर आप उनको भी आज देखेंगे और वो भी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। लास्ट नाइट आई टॉक टू हिम एंड हिज वाइफ, उनके साथ दुआ भी किया एंड वी आर हैप्पी दैट ही इज एबल टू कनेक्ट। और इवन रेवरेंड विनय सनी, जो कि अभी हमारे देश में नहीं है, वो अपने सिस्टर के पास गए हैं यूएसए में, इवन ही इज पार्ट ऑफ दिस सर्विस। सो दिस इज ए वेरी ग्रेट थिंग। आइए हम हमारी प्री वर्शिप को शुरू करते हैं। और इसमें हमारे क्लर्जी में जो टैलेंट है वो भी आप देख पाएंगे। रेवरेंट हेमंत दिगाल, उनको खुदा ने बहुत सारी खूबियाँ दी है। एक तो है वो गाना लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते भी हैं। सो वी लिसन टू रेवरेंट हेमंत दिगाल। और रेवरेंट स्टीफन मसी, वो भी हमारे एक क्लर्जी कवि हैं और वो कविता लिखते हैं, बोलियाँ लिखते हैं। सो वी लिसन टू दिस टू आवर क्लर्जी फ्रेंड्स, रेवरेंट हेमंत एंड रेवरेंट स्टीफन। सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे, खुदा की हजूरी में जाते हुए खुदा की आराधना करेंगे। मसीहा तेरे दर पे आया हूँ, मसीहा तेरे दर पे आया हूँ, टूटे दिल के रहा तुझसे जुदा मैं होता
होता रहा। मतलब दुनिया में चलता रहा, तुझसे जुदा में होता रहा। सच्ची झूठी जिंदगी जीता रहा, शैतान के जंजीरों में फंसता रहा। सच्ची झूठी जिंदगी जीता रहा, शैतान के जंजीरों में फंसता रहा। जिंदगी का हर मंजिल में खोया हूँ, जिंदगी का हर मंजिल में खोया हूँ। बेसहारा आज मैं होया हूँ, बेसहारा आज मैं होया हूँ। मसीहा तेरे जिंदगी में आज मैं करा, तू है खुदावन एक आसरा। महसूस जिंदगी में आज मैं करा, तू है खुदावन एक आसरा। बेसहारों का तू सहारा, सहारों का तो सहारा। दिल तेरा रहमत से भरा, बचा ले मेरे मौला मैं आया हूँ, बचा ले मेरे मौला मैं आया हूँ। टूटे दिल की दुखड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि इन उपवास काल के दिनों में उपवास के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जिनको एक गवाही के रूप में आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। उठ जा अब तू जाग रे, शुरू हुआ उपवास काल। पाप की नींद में अब तक सोया, बीत गए हैं कितने साल। उठ जा अब तू जाग रे, शुरू हुआ उपवास काल। बना फकीर लकीर का तू, छोड़ा कुछ दिन मछली मांस। बना फकीर लकीर का तू, छोड़ा कुछ दिन मछली मांस। कहे अंजील जो वो ना छोड़ा, क्यों ना तुझको लगा जे खास। मैं ही आऊं सबसे आगे, चलता रहता है तू चाल। उठ जा अब तू जाग रे, शुरू हुआ उपवास काल। इंजील मत्ती जय फरमाए, कैसा हो उपवास। इंजील मत्ती जय फरमाए, कैसा हो उपवास। दिखावा दिखे न मुख से, और जा ना लगे निराश। मिलेगा राजे स्वर्ग का उनको, जो है मन के कंगाल। उठ जा अब तू जाग रे, शुरू हुआ उपवास काल। चिन राख का जह बतलाए, क्या है बंदे तेरी शान। चिन राख का जह बतलाए,
क्या है बंदे तेरी शान, खाक की डेरी हो जा ना जब फिर काहे का तुझको मान। कहे स्टीफन करके तोबा, बन जा तू यीशु का लाल, उठ जा अब तू जाग रे, शुरू हुआ उपवास काल, शुरू हुआ उपवास काल। वंडरफुल, हमारे पादरी शावानों को बहुत खुशखबरियां दी है और ये प्रार्थना है कि खुदा आगे भी उनको और भी बरकत दे ताकि ये टैलेंट्स को वो मसीह कम्युनिटी के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर पाए। गॉड ब्लेस यू। गॉड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन ऑन द चिल्ड्रन ऑफ मैन टू सी इफ देयर आर एनी हु अंडरस्टैंड, हु सीक आफ्टर गॉड। खुदा देखता है कि जो इनका इंसान का पुत्र है, पुत्रियां हैं, उनमें से कोई क्या उसको समझ पाए, कोई किसमें क्या समझ है जो कि खुदा को ढूंढते हैं, खुदा को चाहते हैं, चाहते हैं कि खुदा के साथ वो संगति करें और खुदा के साथ एक हो जाएं। आज हम यहाँ समवेत हुए हैं तो इसलिए कि खुदा की उपस्थिति में हम आना चाहते हैं, खुदा के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, खुदा के वचन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, खुदा से सुनना चाहते हैं, खुदा के आगे अपने दिलों को हम खोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ हम संगति भी करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा जो कुछ आज यहाँ इस उपासना में हम करने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं तुझे महिमा दे सकें। आज हमारे क्लर्जी कम्युनिटी के सारे प्रेस्बिटर्स, एवेंजेलिस्ट, डीकन्स आज इस सर्विस में हमारी अगुवाई करेंगे, तू उनके ऊपर आशीष दे और हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं, हमें ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे लिए रेवरेंट जेम्स हजरा मसीह प्रार्थना करेंगे। रेवरेंट जेम्स हजरा मसीह जो कि प्रेस्बिटर हैं कांगड़ा में। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि आज हम सब तेरी आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस आराधना के लिए। हे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी इसकी आराधना के अंदर तेरे वचनों से पढ़ा जाए और उसके ऊपर मनोचिंतन किया जाए और जो भी तेरी स्तुति महिमा के गीत गाए जाए, उन सब के जरिए खुदावंद हम सबको बरकत और आशीष मिले और खुदावंद तेरा काम करने के लिए हमें सहायता और मदद मिले। हे पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, उनकी ऐसी अगुवाई करो कि वो इस तरह से काम करें कि ये डायोसिस दिन प्रतिदिन उन्नति करती जाए और बढ़ती जाए। हे पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त दुआ करता हूँ सभी प्रीस्ट, डीकन और एवेंजलिस्ट के लिए जो इस डायोसिस में काम करते हैं। पिता परमेश्वर, उन सब की मदद करना, सहायता करना, तंदुरुस्ती देना, सेहत देना, ताकि ऐसे समय के अंदर वो तेरी सेवकाई कर सके और बहुत से लोगों को तेरी नज़दीकी में ले आए। हे पिता परमेश्वर, हम सब के साथ हो, हमारी रहनुमाई कर। खुदावंद, तू ही हमारा निगहबान और ख्वाला हो। ये दुआ मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंट जेम्स हजरा मसीह। क्यों ना हम सब मिलकर एक गाना गाते हैं। पास्टर पीटर हांस जो कि डायोसिस ऑफ अमृतसर के मिशन पार्टनर हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह दे नाम च आप सब दी सलामती होवे। आप सब नूं जय मसीह दी परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां कि प्रभु ने अज
फिर सानू सारयां नूं इकट्ठा कीता कि असीं मिल के खुदा दी महिमा कर सकीए। अज जो मैं गीत गाउण लई जा रहा वां, ओह गीत सारे खुदा दे संतां दे लई आ, उन्हां नूं डेडिकेट वा, क्योंकि खुदा दा कलाम बयान करदा परमेश्वर दे दास दुगने आदर दे योग हुंदे ने। सो आईए असीं मिल के खुदा दी महिमा करिए। संत विछड़े रब विछड़ जांदा, ते रब्बा संत ना विछड़े कोई, सेवक कर आवे रब कर आंदा, ते इन्ना संता जाने कोई, जेड़े सेवा कर दे संता दी ते सदा खुशियां हासिल कर दे ने, जेड़े तुश जान दे सेवकानू ते सदा दुखां दे विच रहंदे ने, दिन रात दुआवां कर दे आजे मौत मूल ना डर दे, दिन रात दुआवां कर दे आजे मौत मूल ना डर दे, ए जिंदगी दियां रावां ने पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। ना दी गाउंदे ने फुल्ले पटकियां नूं यसू दा वचन सुणाउंदे ने, उठदे बहंदे महिमा रब दे ना दी गाउंदे ने फुल्ले पटकियां नूं यसू दा वचन सुणाउंदे ने, मन दे जोहन जीवन पाउंदे यसु मसीह विच खुशी मनाउंदे, मन दे जोहन जीवन पाउंदे यसु मसीह विच खुशी मनाउंदे, ए सच्चियां रचनावां ने पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। खातर दुखड़े भी सह लेंदे ने फिर भी खुश नसीब हाँ एहो ही गल कहंदे ने, ओ दे नाम दी खातर दुखड़े भी सह लेंदे ने फिर भी खुश नसीब हाँ एहो ही गल कहंदे ने, थां थां देंदे फिर नंगवाही लोको कड़ी अखीरी आई, थां थां देंदे फिर नंगवाही लोको कड़ी अखीरी आई, फिर न लभनी आशावां ने पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। किन्ने सोहणे चरण उन्हां दे एहो लिखिया ए, जेड़े देंदे हर दम यसू नां दी सिखिया ए, किन्ने सोहणे चरण उन्हां दे एहो लिखिया ए, जेड़े देंदे हर दम यसू नां दी सिखिया ए, जिस घर विच जाके बैंदे तेरा शुक्र मालका कहंदे, जिस घर विच जाके बैंदे तेरा शुक्र मालका कहंदे, भजदियां दूर बुलावां ने पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। थैंक यू पास्टर पीटर हंस। स्पेशली आप जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, सेवक हैं, उनके लिए ये डेडिकेट करके ये गाना प्रस्तुत किया है। इसके साथ हम प्रेयर ऑफ कन्फेशन में जाएंगे। क्यों जरूरी है कि हम
पाप का अंगीकार करें, पाप स्वीकार करें, क्योंकि जब तक हम अपने पापों को कन्फेस नहीं करते हैं, पाप का अंगीकार नहीं करते हैं, कैसे हम माफ़ी मांगने जाएं। और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि जब तक हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि खुदा हमें माफ़ कर दे। इसलिए ये हम नम्र होकर, नम्र हृदय में, विथ ए पेनिटेंट एंड हम्बल हार्ट, कि खुदा के चरणों में आए और जो पाप हमने जानकर किया है, अनजाने में किया है, बहुत सारे काम जो करना नहीं चाहते थे कर बैठे, और जानते हुए कि और कुछ हमें करना था मगर कर नहीं पाए, उसके लिए खुदा से हम माफी मांगे। लेट अस जॉइन इन द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। रेवरेंड सोहन लाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डायोसिस एंड प्रेसबिटेरियन चर्च ऑफ क्राइस्ट चर्च शिमला, विल लीड अस इन द प्रेयर ऑफ कन्फेशन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कॉल और फेल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नदानी और कमज़ोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम नहायत गमगीन है और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता हमें आश्वासन देता है कि जब हम खेदित मन पे आते हैं, अपने पाप का अंगीकार करते हैं, वो भी हमें ग्रहण करता है और हमें माफ करता है। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि हम परिपूर्ण हो सकें और तेरी सेवा सच्चे दिल से कर सकें। आमीन। टाइम फॉर प्रेज एंड वर्शिप। आइए फिर से हम गाना गाएंगे, ये क्योंकि आज जैसे मैंने कहा कि हमारे क्लर्जी हमें लीड कर रहे हैं, तो रेवरेंड नाथनियल आरएम एंड पार्टी, उसमें उनके साथ हैं रेवरेंड पात्रस मसीह, रेवरेंड नाथनियल मसीह, एवेंजलिस्ट मुखा मसीह एंड एवेंजलिस्ट सोलोमन। अभी हम उनके साथ मिलकर प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आओसी प्रभु की महिमा करिए। प्रभु यीशु कहते हैं जो कोई हालत हथरा के पछाण वेखे वो मेरा चेला नहीं। और लोत की बीवी नु चेते रखिए। पिछे वेखना गुनाह, पिछे वेखना गुनाह, बीवी लोत की नु पुछ, पिछे वेखना गुनाह है, बीवी लोत की नु पुछ। बन गई लून दस खंबा, बन गई लून रखे आसी बेच वजूद।
Thank you for leading us in praise and worship. Let us now turn to the word of God. Abhi khuda ka jo vachan humare liye hai, usko hum sunne ja rahe hain. Aur evangelist Kajal, humare liye Bible se ye paath karenge, hum sunenge. Aaiye hum parmeshwar ke pavitra kalam mein se padhenge. Sant Markus ki anjil, uska 8 adhyay, uski 27 ay se lekar 35 ay tak. यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। अभी हम प्रभु के वचन के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए दुआ करेंगे। रेवरेंट लिली सामंतराय हमें इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, जब हमारे पादरी साहिबान प्रभु कुछ उनका ध्यान अनुध्यान हमारे साथ शेयर करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मनों को और दिलों को प्रभु तू छू और तू साफ कर, हम भी जैसे प्रभु तेरे नज़दीक आ पाएंगे प्रभु ऐसे दया कर। जो पादरी साहिबान प्रभु आज तेरे वाक्य हमारे सामने रखेंगे प्रभु, उनके ओठों को प्रभु तू छू और पवित्र कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। टुडेज़ रिफ्लेक्शन is not given by one person,
बट बाई मैनी। उसमें इस रिफ्लेक्शन में हमारी मदद करेंगे हमारे क्लर्जी। सो दिस इज अगेन ए काइंड ऑफ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स टुगेदर, ए कॉर्पोरेट रिफ्लेक्शन। और अभी आपके सामने हमारे परिचावन आएंगे और जो लेंट के संबंधित टॉपिक्स हैं, लव, सेक्रीफाइस, कमिटमेंट एंड मेनी अदर सच टॉपिक्स, तो उसके साथ आज का जो बाइबल का वचन है उसको जोड़कर कुछ रिफ्लेक्शन हमारे सामने रखेंगे। आपसे विनती है कि आप ध्यान से सुनिए। बलिदान का अर्थ है प्रेम और किसी के प्रति चिंता, जिसको हम बाइबल में से पहला यूहन्ना 4:10 में देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने दिया। सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह। बलिदान, लूका उसके 9 अध्याय उसके 59 वर्स में हम बलिदान के बारे में सीख सकते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को अपने पीछे चलने के लिए बोलता है और वो व्यक्ति बड़ा पॉलाइटली यीशु मसीह से कहता है कि मैं अपने पिता को गार्ड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति टाइम चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहता है, अपने कल्चर, कस्टम और सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कई हद तक इन सारी चीजों का बलिदान देना बहुत जरूरी है। सबको जय मसीह। प्रेम शब्द सब प्रकार के आत्मिक वरदानों से, भेदों से, अप्रकारों से श्रेष्ठ है। ये इतना सरल है, कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। प्रेम केवल ज्ञान नहीं, लेकिन उस ज्ञान को एक्शन में तब्दील करना है। आप सबको जय मसीह की। प्रेम का अर्थ है त्याग और सेवा। जब हम कहते हैं कि हम मसीह से प्रेम करते हैं, तो हमारा दायित्व यह बनता है कि हम उसकी शिक्षाओं पे चलें और मानव जाति की निस्वार्थ सेवा करें, और जो कुछ भी हम करें इस भाव से करें कि हम अपने मसीह के लिए कर रहे हैं, ना कि इंसान के लिए। प्रेम का सही अर्थ यही है। जय मसीह। और जो परमेश्वर के प्रति और अपने कार्यों के प्रति, अपनी सेवकाई के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, जो विश्वास योग्य रहते हैं अपने कार्यों में, अपने कथनों में, अपनी भावनाओं में, अपने विश्वास में, प्रभु के भय में, प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं में, जो प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु के वादे के अनुसार प्रभु की करुणा उन पर बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन प्रभु की करुणा उन पर बनी रहती है। विश्वास योग्यता परमेश्वर का एक ऐसा वरदान है जिसे मेरे जीजू हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा गुण है जो हम सब में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, चाहे हम सुख में हो, चाहे हम दुख में हो, हमें अपने परमेश्वर के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति विश्वास से योग्य बने रहना चाहिए। और मेरे जीजो, हम सब इस किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास से योग्य बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। Gratitude is a feeling of thankfulness and appreciation. परमेश्वर का धन्यवाद करना हमें सामर्थ्य बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करना हमें जिंदगी में आगे लिए चलता है। परमेश्वर का धन्यवाद करना इवन सभी परिस्थितियों में हमारे लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए रास्ते खोलता है। आइए इन रोज़ों के दिनों में परमेश्वर के गहरे प्यार, उसके बलिदान के लिए हम उसका आभार व्यक्त करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Gratitude is something. खुदा के ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रियलाइज करना और उसके लिए थैंकफुल होना, खास करके उन सारे विषय के लिए जो कि हमको खुदा से डिवाइन ग्रेस फ्रीली हमको मिली हुई है। ना तो हम उन सारे विषय को अब अपने जीवन में एफर्ट के द्वारा पा सकते हैं, ना हम उसको रीच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे वी गेट अप इन द मॉर्निंग, देखते हैं कि हम जिंदा हैं, और उसके लिए थैंकफुल होना और खुदा को धन्यवाद देना इज ग्रैटिट्यूड। God bless you all. एकता में हम मसीह यीशु के साथ बने रहते हैं। अगर हम भजन संहिता 133 का एक वचन में देखें, यहाँ लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और मसीह एकता के बिना हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में है, और हमें यह ध्यान देना है
कि मसीह यीशु की आत्मा का कार्य जो है वो केवल एकता में होता है। यूनिटी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा एक साथ मिलकर रहता है, काम करता है। और फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 12 में भी हमने देखा है कि पार्ट ऑफ द बॉडी के बारे में हर एक अंग जो है मिलके जुड़ के रहता है। हमारा मसीह जीवन में भी एक साथ मिलकर रहेंगे, जुड़ के रहेंगे तो परमेश्वर का महिमा मिलेंगे। आइए हम सेवा के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे सेना के लोगों में भी बताया गया है कि सेवा हमारा कर्तव्य है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 20 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि करने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हमें अपनों की सेवा नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करना है जो ज़रूरतमंद है। अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के अधीन हो जाए और जो सेवकाई हमें खुदा ने दी है उसको आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की। सेवा एक बहुत बड़ा संस्कार है। सेवा का प्रतिफल दुनिया तो नहीं बल्कि परमेश्वर तो मिलता। सेवा कई प्रकार की है। पहला क्रंथियों 12 बाब 4 5 आयत इस तरह बयान कर दिया कि सब तो वड्डी सेवा परमेश्वर का प्रवचन देना, भुल्लिया नूं राह विखाउणा। इसराइल कौम भुल गई सी, योशुआ ने उन्हां नूं रस्ता विखाया। भुख्यां नूं रोटी देना, नंगियां नूं कपड़ा देना, बीमारां दा इलाज करना, यह सब तो वड्डी सेवा जिहड़ी कि मदर टेरेसा ने संसार विच रह के कीती। और आपकी कमिटमेंट जो है वो खुदावन यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ अपनी कमिटमेंट रखेंगे तो हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि प्रोवर्ब्स 16:3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सबको जय मसीह की। कमिटमेंट एक वायदा है जो हम परमेश्वर या मनुष्य के साथ करते हैं। जो यहोशुआ का कमिटमेंट कि मैं और मेरा परिवार खुदा की उपासना आराधना करेंगे और उसे जीत और सफलता की ओर ले जाता है। आइए हम भी खुदा के साथ कमिटमेंट करेंगे, हम भी खुदा की ही आराधना करेंगे, खुदा के लिए ही हम जिएंगे, खुदा के लिए ही मरेंगे। खुदा आप सभी को आशीष दे। गवाही मेरे प्रियो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के दास संत यूहन्ना अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय में लिखते हैं कि हम उस मसीहा की गवाही देते हैं जिसको हमने सुना, देखा और छुआ है और जिसमें हमने अनंत जीवन को अनुभव किया है। और ताकि हमें अनंत जीवन मिले, भरपूरी का जीवन मिले और हम सब प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाएं। आमीन। जैसा गवाही का विषय है, गवाही हमेशा दो व्यक्ति की मानी जाती है। इसीलिए यीशु से पहले यूहन्ना जो 6 महीने बड़े थे यीशु मसीह से आए और उन्होंने गवाही दी कि मेरे बाद जो आने वाला है वो सबका उद्धार करता है और वो सबको अनंत जीवन देने वाला है। तो जो उसके ऊपर विश्वास करेगा तो वो अनंत जीवन पाएगा। जय मसीह की। सबको, सारे पादरी साहबानों का जिन्होंने हमें हमारे साथ रिफ्लेक्शन शेयर किए, प्रभु के वचन से दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ हम अपने विश्वास को सबके सामने रखना चाहते हैं, विश्वास का ऐलान करना चाहते हैं। लेट अस ब्रिंग फोर्थ आवर फेथ इन गॉड इन टर्म्स ऑफ द अपोस्टल्स क्रीड। रेवरेंड विक्टर खोजी, जो कि प्रेसबिटर इंचार्ज हैं कोटगढ़ में, वो हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम रसूलों का अकीदा एक साथ बोलेंगे। मैं खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर,
मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़यामत और अबदी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। थैंक यू रेवरेंट विक्टर खो जी। आप सोचे होंगे कि सर्मन या रिफ्लेक्शन भी ख़त्म हो गया, पर आप सबको अभी तक सारे क्लर्जी को, सेवकों को देख नहीं पाए। यू हैव टू वेट बिकॉज मोर टू कम। पर मैं इस समय ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ आप सबका धन्यवाद करने के लिए। मैं तो ये बार बार कहता हूँ, कहता रहूँगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस दिन के लिए, इस समय के लिए मैं कितना इंतज़ार करता हूँ। इसके जो एक्साइटमेंट, वो तो हमें ज़्यादा होता है, क्योंकि संडे के बाद, संडे इवनिंग से फिर नेक्स्ट संडे के लिए हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। और कैन यू इमेजिन टू इन्वॉल्व अबाउट 45 क्लर्जी इन ए सर्विस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और मैं खासकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हमारे डियर ब्रदर शक्ति, और मैं उसको शक्तिमान कहता हूँ क्योंकि उनको बहुत काम करना पड़ता है, और डिकन मार्कुस एंड प्रीता, ये बहुत काम करते हैं। कभी कभी रात तक काम करना पड़ता है उनको, क्योंकि कभी कभी एक एक वीडियो को 3-4 करना पड़ता है। एंड दिस टाइम वी बीन यूज्ड जूम भी हमने यूज़ किया रिकॉर्ड करने के लिए, और कुछ वीडियोस को 2x, 3x, 4x करना पड़ा। एंड इवन देन वी आर नॉट 100% सक्सेसफुल। तो थोड़ा बहुत फेलियर तो आपको एक्सेप्ट करना ही है, वो मार्जिन आपको देना है। पर क्योंकि हम एक ऐसे समूह हैं जिसमें कि क्लर्जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और आज का दिन जो है ऐसे एक दिन है कि हम उनका कंट्रीब्यूशन को हम एक्नॉलेज करें एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड फॉर ऑल आवर क्लर्जी, की जितने सेवक हमारे डायसिस में हैं, हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उनको पहचाने। आई डोंट नो कि सबका नाम, जितने हमारे डायसिस में हैं सब क्लर्जी, सबका नाम क्या आपको पता है? वो कहाँ हैं, कहाँ कहाँ वो सेवा कर रहे हैं, वो क्या आप जानते हैं? उनके परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? उनके चैलेंजेस के बारे में आप क्या जानते हैं? So my request would be that as we grow together in the backdrop of pandemic, no, we need to know our own family. ये हमारा परिवार है, पर इस परिवार इतना बड़ा है कि हम मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, you know, face to face conversation हम नहीं कर पाते हैं। पर ये जो समय खुदा ने हमें दिया है, हम उसका सही इस्तेमाल करें और अपने लोगों को हम जानें, उनके लिए दुआ करें। इट वाज सो हार्टनिंग कि जब मुझे पता चला कि रेवरेंट अजय सिंह और पूरा परिवार, पहले तो एक पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद पूरे परिवार पॉजिटिव हो गए। एंड यू नो आई कॉल्ड हिम, और कल भी जैसे मैंने शुरू में बताया था, उनके साथ बातचीत हुई। उनकी वाइफ जो सीमा, जो कि उड़िया बोलती है, यू नो इट वाज नाइस टू टॉक टू हर इन हर एंड माय लैंग्वेज एंड टू प्रे विद देम। सो दिस इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ टुगेदरनेस, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। वी आर इन लेंट, आज संडे है। आई नो मेनी ऑफ यू have fasted from fasting and therefore you are not fasting. Jaise ki two negatives are positive, so fasting and fasting is no fasting. And anyway, happy Sunday, jabki hum wo ka jo resurrection hai usko manate hain aur hum anand ke sahit manate hain. This time March is not going to be the same again like last year. In Punjab, there is already restriction
ऑन गैदरिंग की जो इंडोर गैदरिंग 100 से ज़्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते हैं, जो आउटडोर गैदरिंग है 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, सो नॉट मोर देन 100 पीपल इंडोर्स एंड नॉट मोर देन 200 पीपल आउटडोर्स। सो आज का जो सिचुएशन है हम समझ सकते हैं कि वी विल बी मिसिंग अनदर ग्रैंड पाम संडे प्रोसेशन इन अमृतसर, बट उसका दुख मुझे नहीं है, दुख है बट उतना दुख नहीं है जो होना चाहिए, बिकॉज खुदा हमें और एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। 5 तारीख का जबकि MSS मीटिंग के साथ रीजनल कॉन्फ्रेंस की जो ऑफिस बेयरर्स ओ जूम में के साथ कॉन्फ्रेंस में होंगे और फिजिकली पंजाब के वर्कर्स DMRC में एकत्रित होंगे, उस दिन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नाउ वी सेलिब्रेट पाम संडे इन एवरी कॉन्ग्रीगेशन। उसका मतलब है हमारा पाम संडे प्रोसेशन एक अमृतसर में नहीं होगा, पर मे बी वील हैव 100, 150, 200 प्रोसेशंस, और दिस विल बी ए रियल अपॉर्चुनिटी कि जो गुड फ्राइडे जो ईस्टर का जो संदेश है हम हमारे लोगों के सामने लाइक क्रिसमस हम दे सकते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस थिंकिंग, जो सोच खुदा ने मुझे दिया है कि इस टाइम नो वन संडे पाम संडे प्रोसेशन बट मेनी, तो उस सोच में हम आगे बढ़ेंगे और आई थिंक वी आर प्लानिंग फॉर ए पिलग्रिमेज जो कि हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम अमृतसर में करना चाहते हैं, व्हिच कैन बी रिप्लिकेटेड इन डिफरेंट कॉन्ग्रीगेशंस, ताकि हमारे कॉन्ग्रीगेशन को हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ की डिफरेंट स्टेशंस होंगे और वहाँ हम इनवाइट करेंगे कि वो वहाँ जाएं और जो कुछ हम उनको दिखाना चाहते हैं वो उसको देखें और रिफ्लेक्ट करें। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑर्गेनाइज काइंड ऑफ पिलग्रिमेज, ए लेंट पिलग्रिमेज फॉर आवर कॉन्ग्रीगेशन। सो इन बातों के लिए आप दुआ कीजिए, एंड जो डायसिस के एरिया के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशल थैंक्स टू यू, और आपका हमारे साथ कनेक्ट होना हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस संडे आफ्टर संडे आफ्टर संडे, और खुदा आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने किया दे मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रेयर लिस्ट ऑफ आवर क्लेर्जी जो कि अभी करने जा रहे हैं, बट उनके लिए एंड में बिफोर द लॉर्ड्स प्रेयर प्रार्थना की जाएगी। डिकन मार्कुस को आदेश है कि वो उन बातों के लिए प्रार्थना करें। ऑफकोर्स हम पर्सनली प्रेयर करेंगे और हमारे ऑफिस प्रेयर में उन बातों के लिए जरूर हम प्रेयर करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, एंड एट द एंड जबकि समय आएगा फोटोग्राफ के लिए, मैं चाहूँगा कि आज सब जो है वीडियो को ऑन करेंगे, क्योंकि आफ्टर पेज 2 और 3 यू नो वी कैन ओनली सी द नेम्स और फोन नंबर्स बट नॉट द फेसेस। So for a change, if possible, unless you do not want to be identified, ki aap video ko on rakhenge. Thank you so much. God bless you. So now we'll go to the prayer of thanksgiving and intercession. It's a combination of thanksgiving and intercession, jo ki hamare clergy, jisme ki hamari agwai karenge. Aaiye hum Church of North India ki sevkai ke liye Parmeshwar ka dhanyavad kare. पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को एकता, गवाही और सेवा के लिए स्थापित किया। हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने एकता के ज़रिए से, अपनी सेवाओं के ज़रिए से तेरी गवाही दे सके। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु,
तमाम आशीषों के लिए, जिंदगी के लिए प्रभु, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए। खास तौर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद COVID-19 के दौरान तूने हमें से हर एक को प्रभु वायरस से बचाए रखा, जिंदगी दी और जिंदगी की सारी जरूरतों को प्रभु परमेश्वर पूरा किया। खुदावंद तेरी महिमा और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम अपने पार्टनर्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो इस देश और विदेशों में हमारे साथ हमारे हर एक हालात में खड़े रहते हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी पार्टनर्स प्रभु जी इस देश और विदेशों में हैं, प्रभु जी आप उन्हें संभालें, उन्हें बरकत दें, जो हमारे हर एक दुख और सुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, आप उन्हें बहुत सारी बरकतें दें यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं कि डायसिस अमृतसर के तमाम पासवानों के लिए, डीकन्स के लिए और इवेंजलिस्ट के लिए, खुदावंद आपने इन सबको अपनी खिदमत के लिए चुना और तैयार किया ताकि हम सब तैयार होकर तेरी खिदमत को वजह लाने पाएं। हम सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपने किसी भी चीज की कमी घटी किसी के परिवार में नहीं होने दी है और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी इन सब चीजों की कमी घटी नहीं होने देंगे। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें डायसिस के सभी हॉस्पिटलों के लिए तथा उनके डॉक्टर नर्सों के लिए जो डायसिस में रहकर पूर्ण रूप से सेवा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डायसिस के उन अंगों के लिए जो समाज में सामाजिक आर्थिक कार्यों से जुड़ी सेवा के लिए, जैसे शिक्षा प्रोजेक्ट, जागृत भलाई केंद्र के लिए तथा उनके अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं के लिए, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने सुंदर समय दिया है कि आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, जिसके द्वारा लोगों में तरक्की होती है, पढ़ाई करते जिंदगी में बदलाव आता है, बच्चे जॉब करते हैं, बेरोजगारी खत्म होती है, पढ़ाई के द्वारा विचारों में बदलाव आता है, टीचरों के ऊपर आपकी कृपा चाहते हैं। प्रार्थना को सुनो, कबूल करो, मांगते यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रभु परमेश्वर, मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जो लोग सचमुच तेरे खुदामदा तेरा खौफ रखते हैं, तेरा डर रखते हैं, उनको बहुत सारी बरकत और आशीष दे तेरे खुदाम प्रभु यीशु। हमारे डायसिस के अंदर जितने भी विंग्स हैं प्यारे खुदामदा, EDTA है प्यारे खुदामदा, CDP है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है तेरे खुदामदा, जितने भी हमारे डायसिस के विंग्स ये चलते हैं तेरे खुदाम, सबको आप आशीष और बरकत दें प्रभु परमेश्वर। चलाने वालों को, इनके हेड्स और इंस्टीट्यूशनों के हैं, सबको आप आशीष और बरकत दें, सुख शांति सबके घरों में हो तेरे खुदा। छोटी दुआ को सुने कबूल करें, मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा ने यीशु मसीह के सिले से, आमीन। कि खुदावन यूथ नो आशीष और बरकत दे, आन वाले समय में खुदा बाप यूथ के ऊपर अपनी बरकत नो लेके आए ताकि सदा जो यूथ है प्रभु के नाम अगे वाधा चला जाए और खुदा तो अपनी आशीष को प्राप्त करे और यूथ दे लई खुदावन आने वाले समय में अपनी बरकत नू दे और यूथ नू तमाम जो अज के दौर में जो नशा चल रहा है उस तो प्रभु बचा के रखे और खुदा बड़ी बरकत दे सबनों जन सके। और प्रभु परमेश्वर से दुआ करते हाँ इंस्टीट्यूशन अति उन्होंने जे हेड्स हैं स्कूलों कॉलेजों के हस्पताना CDP नारी सशक्तिकरण डायसिस से सब वर्करों की दुआ करते हाँ जो समाज भलाई के काम कर रहे हैं, इन्हों सब बरकत दो। हम आपके नमित आते हैं, आपके सन्मुख प्रभु अपने किसान भाइयों को लेके आते हैं जो लंबे समय से पिता परमेश्वर अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं। पिताजी आप उनकी सार और सुधि लें पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा पाक वचन इस रीति से हमें सिखाता है कि आप हाकिमों के मनों को नालियों की मानद मोड़ देने वाले परमेश्वर हैं। आप तमाम पिता परमेश्वर
जो खुदावंद हमारे पिता परमेश्वर अधिकारी हैं पिता प्रभु सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप उन सब के मनों को परिवर्तित करें ताजो पिता परमेश्वर प्रभु जी इस पिता परमेश्वर तमाम आंदोलन में तेरे लोग पिता परमेश्वर फतेहमंद हों और तेरा नाम जलाल पाए पिता प्रभु जी। अरे परमेश्वर तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू शांति का परमेश्वर है। अरे परमेश्वर हम सबको शांति दे, पूरे देश को देश के लोगों को सारे शांति दे, क्योंकि तू शांति देने वाला परमेश्वर है। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं और आपके सिंहासन के सामने आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो COVID-19 की वजह से अपने जॉब को खो चुके हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू आप मुहैया करना और ज़रूरतों को आसमान की खिड़कियों को खोल कर प्रोवाइड करना। मैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले में मांगते हैं, आमीन। करता हूं तमाम जूत के लिए परमेश्वर पिता जो इस वक्त मानसिक तनाव से जूझ रहा है, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो स्टडी की वजह से परमेश्वर पिता बेरोजगारी की वजह से परमेश्वर पिता नशे की वजह से लिविंग रिलेशनशिप और गलत संबंध के कारण परमेश्वर पिता अनाज्ञाकारी के कारण जो जूथ मानसिक तनाव से जूझ रहा है, परमेश्वर पिता जो संसार मानसिक तनाव से जूझ रहा है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से उन्हें फ्री करता हूँ, आजाद करता हूँ खुदा, उन्हें अपने पास लेकर आ और खुदा अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि पिछले 68 साल इस डायसिस के लिए वह विश्वास योग्य बने रहे। महान परमेश्वर प्रार्थना कर दे प्रभु यीशु के नाम से दुआ कर दे हम अमृतसर डायसिस की जिन्हें भी हेल्थ सेवावान ने उन्होंने तुहाडी आशीष मांगते हाँ, तुहाडी बरकत मांगते हैं। जिदा पिछले दिनों दे विच तुहाडा अनुग्रह बनया रहा उसी तरह आने दिनों भी तुहाडा अनुग्रह बनया रहे, साडी बेनती नूं सुनो ते कबूल करो, बेनती प्रभु यीशु मसीह दा नाम लैके मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के तमाम बच्चों के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी बच्चों को अच्छी बुद्धि अच्छा ज्ञान अच्छी समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि सब बच्चे प्रभु आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम टीचरों के लिए, प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर संडे स्कूल के जितने भी तमाम टीचर्स हैं प्रभु हम उनको आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु ताड़ा धन्यवाद ताड़ा शुक्र तुम्हारी तारीफ करते हैं, असं प्रार्थना करते हैं अपने देश वास्ते खुदा साढ़े देश उत्ते बड़ी कृपा करना खुदा, साढ़े देश में खुदा शांति दियो प्रभु जी, इसी शांति दे राज धन्यवाद तुहाडे नाम की महिमा करते हैं खुदा मसीह दे नाम मंगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल तुहाडे उच्चे नाम नूं देने हैं और प्रार्थना करते हैं डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए, प्रार्थना करते हैं तमाम अगुओं के लिए, दया कीजिएगा कृपा कीजिएगा और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं हमारी जितनी प्रार्थना है आपने सुनी और कबूल की है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर हम अपनी डायसिस को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपने आज तक संभाला, आने वाले समयों में भी प्रभु अपनी महिमा के लिए बहुत आयसे इस्तेमाल करें। अपने आदरणीय बिशप साहब को सभी पादरी साहिबानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अपनी सामर्थ्य से भरें और प्रभु अपने अनुग्रह में छिपा लें, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। We'll continue to pray कि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे और डीकन मार्कुस अभी उन बातों के लिए प्रार्थना करके रिक्वेस्ट और दीनता के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, ये जानते हुए कि आपकी कृपा हमारे ऊपर है और आपने अपना हाथ हमारे सरों के ऊपर रखा है। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं हमारी डायसिस ऑफ अमृतसर की सारी सेवकाइयों के लिए, खासतौर से हमारे आदरणीय बिशप साहब हमारे सारे पादरी साहबान सारे डीकन्स एवेंजलिस्ट और जितने भी लोग हमारे साथ इस सेवा में जुड़े हैं उन सब के ऊपर हम आपकी कृपा आपका अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु जी हम इस समय कुछ प्रार्थना विषयों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड अजय के लिए उनके परिवार के लिए, जब प्रभु पूरा परिवार कोविड से ग्रसित है हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु परिवार के ऊपर आप अपनी कृपा बनाकर रखें और प्रभु इस बीमारी से इस महामारी से उस परिवार को छुटकारा दें ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को धन्यवाद दे सकें। हम पादरी अजय और जो कि ओडिशा से हैं उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, खासतौर से प्रभु हम तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं कि जब प्रभु वो भी अपनी सेहत में अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं आप उनके ऊपर भी अपनी कृपा भरा हाथ बनाकर रखें, सेहत अच्छी करें
और प्रभु आप अपनी कृपा उन पर बरसाएं ताकि वो भी अपनी सेहत में अच्छे हों और तेरे नाम को धन्यवाद दे सकें। हम अजय के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि फीवर जिसको फीवर है, प्रभु उसके ऊपर भी तेरी खास कृपा तेरा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु आप अपने हाथों को बढ़ाएं, उसे छुएं ताकि वो भी तेरी चंगाई को महसूस कर सके। हम प्रार्थना करते हैं बहन रेखा के पिताजी के लिए, जबकि वो भी बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु हम आपके सम्मुख विनती करते हैं कि आप उनके ऊपर भी अपनी कृपा भरा हाथ बना कर रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए, जो खास तौर से उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले दिनों में या इस समय अपने एग्जाम्स को लिख रहे हैं, प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें अकल बुद्धि से परिपूर्ण करें, उन्हें सामर्थ्य दें, बल शक्ति दें जबकि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हम प्रभु उन सब के ऊपर तेरी खास कृपा चाहते हैं, खास तौर से प्रभु परितोष और अर्पित को, एकता को, शरण को और जितने भी लोग प्रभु जिन्होंने विनती की है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, प्रभु उन सब बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर तेरी खास कृपा भरा हाथ हम चाहते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आज की इबादत में आप हमारे साथ बने रहे, आपने अपनी अगुवाई दी है, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जैसे बीते समय में तूने हमें संभाला है, आगे आने वाले समय में भी प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवरेंड मार्गरेट इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरों वालों को माफ करते हैं, हमें अजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाखों की शराकत मेरे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको सलाम और जय मसीह की। थैंक गॉड फॉर दिस सर्विस। विद ऑल दिस वी कुड फिनिश विद इन 60 मिनट्स और इसमें आप सब ने कोऑपरेट किया, आपका धन्यवाद देते हैं। और आज बहुत सारे लोग जो कि यूजुअली अटेंड नहीं करते हैं किया है, तो थैंक यू सो मच। Now it is time for our Sunday worship photos. 1, 2, 3. Okay. Okay. Bye-bye. God bless you. Bye. Nice to see you. Bye-bye. Bye. 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 Bye.